किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के पारसिक टनल उदय नगर में 46 लोगों को फड़केपाड़ा में जो घर दिया गया है, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। शिवसेना नेता सुधीर भगत ने आरोप लगाया है कि एनसीपी सिर्फ राजनीति करती है, असली काम शिवसेना के खासदार श्रीकांत शिंदे ने किया है। कल जिस तरह से मंत्री जितेंद्र आव्हाड और संगीता पालेकर दावने ने जानकारी देते हुए बताया था कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें इंसाफ मिला है और पूरा खर्च उठाया गया है, मगर सुधीर भगत के ऑफिस पर आज लगभग सभी 46 लोग मौजूद थे और इस दौरान सुधीर भगत ने बताया कि जो बातें बताई जा रही हैं कि इन 46 लोगों को हाई कोर्ट में केस के दौरान जो खर्च उठाया गया है वो गलत है, वो पूरा खर्च इन लोगों ने खुद उठाया है। संगीता पालेकर पर भी आरोप लगाया है सुधीर भगत ने कि जब शिवसेना के खासदार ने इन्हें इनका हक दिलाया तो ये लोग आगे आकर अपना श्रेय लेने की कोशिश करने लगे, मगर असली लड़ाई इन 46 लोगों ने खुद लड़ी है, वकील का खर्च भी खुद इन लोगों ने उठाया है, इनके फाइलें जहां जहां रुकी वहां वहां खासदार श्रीकांत शिंदे ने मदद की। सुधीर भगत और 46 लोग जिन्हें फड़केपाड़ा में घर मिला है उन लोगों ने क्या आरोप लगाया है सुनिए। कोई पार्टी नहीं है और कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर जितना भी काम हुआ है ये देखो जितने भी लोग हैं वहाँ के रहवासी, ये उनकी ताकत है और उनके ये संगठन है। जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी ने इनको 500 रुपये दे के, इनका रिक्शा का भाड़ा दे के उनको बुलाया भी था, लेकिन इन्होंने कहा हमको 500 रुपये और आपका भीख नहीं चाहिए। जो हमारा आपने लेटर जो चुरा के लेके गए ना, पहले वो ला के दे दो। और दूसरी बात अलॉटमेंट का रहा है, ये पूरा श्रेय ये सब जितने लोग हैं, मेरी बहन लोग हैं, ये सब लोग का उनका श्रेय है, इसका श्रेय कोई लेना नहीं चाहिए। वो जो भी पार्टी है ना उसको मैं एक कहना चाहता हूँ, आप लोग आपके नेता का भी नाम खराब कर रहे हो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मैं खास करके यहाँ के पालक मंत्री जो है उनसा शिंदे साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पाठ पूरा किया। मैं श्रीकांत शिंदे साहब का तो खास तौर पे धन्यवाद देना चाहता, अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उनका फ़ोन आ रहा है हमको कि सब लोग खुश है, तो खुश तो है सबको जो मिलेगा, वो अगर उसमें कुछ भी दिक्कत रहेगी तो मैं 4 या 2 या 3 दिन के बाद सेशन के बाद आपसे मिल करके आपका पूरा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जब से ये घर टूटे उस वक्त मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ। जब ये घर टूटे गए थे तभी श्रीकांत शिंदे साहब खुद विजिट के ऊपर थे, रेलवे से एक आदेश निकला था नगर पालिका के लिए कि इनको घर देना चाहिए। मैं जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर किने साहब की मम्मी का देहांत हुआ था बारिश में, उस वक्त से पहले इनके घर टूटे थे। किने साहब के मम्मी के देहांत के वक्त शिंदे साहब आए थे, उस वक्त सुभाष भोईर साहब शिंदे साहब ने मुझे बुला करके लिया था और कहा था कि कल इन सबको लेके आके इनके घर हमको देने हैं, लेकिन पार्टीगत यहाँ कुछ पार्टियाँ हैं जिन्होंने राजनीति की और हम लोग देंगे इसलिए उसको पेंडिंग में रखा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो गरीब लोग हैं इनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, ना ये दे पा रहे थे ना वो दे पा रहे थे, आखिरकार कोर्ट ने इन्होंने उसका पैसा जमा किया, इन्होंने उसका उनको मिलना चाहिए श्रेय, कोर्ट ने ऑर्डर दिए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी जो लोग नेता लोग थे वो पस्त हो गए, उसके बाद इनका सहारा कोई नहीं था। एक ऐसा दिन आया था जब हमने हमारी एक मुलाकात हुई, हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से बात की कि साहब आपका आश्वासन था इनको घर देना, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा आश्वासन है और मैं पूरा करूँगा। उसके बाद जो हलचल शुरू हुई फिर सब अधिकारियों के पास गए, और मेरा एक कहना है इसमें मेरा व्यक्तिगत सिर्फ उनको सहारा था, लेकिन ये पूरा जिम्मेदारी बांगर हो गए, भांगे हो गए, मैडम हो गए, मेरे जितने लोग हैं सहकारी हैं, ये सब लोगों का एकजुट आज ये मुकाम पर आई है, इसका श्रेय कोई लेना नहीं चाहिए। हाँ अगर सच में जाता है तो श्रीकांत शिंदे साहब को और
एकनाथ शिंदे साहब को जाना। अच्छा, लेकिन कल जिस तरह से जो कार्यक्रम वहाँ हुआ, वहाँ बताया गया संगीता जो है वो कोर्ट गई थी, उसका खर्चा मंत्री साहब ने उठाया, ऐसी जानकारी वहाँ। अगर ऐसा है, कोर्ट जाने के बाद फिर क्या हुआ? हमको 3 से 4 महीने तो हम लोग को रुकाए थे उन लोग ने, ऐसे भी तो हमको 3-4 महीने में क्यों नहीं दिए? 4 साल हो रहे हैं हम लोग उधर रह रहे, हमारे आदमी लोग थे, कोई हमारी मदद नहीं की, कोई मदद नहीं। एक एक बोलो, किसने रुकाया था? अभी कोर्ट से हम लोग को तो मिला था 3-4 महीने में, फिर 3-4 महीने में हम लोग को रूम देने वाले थे पर नहीं दिए उन लोग ने। पर अभी हम लोग फिलहाल हम लोग 1 साल ऐसे ही रहे, फिर बाद में हम लोग खुद काम करना चालू किए। हम लोग 3-4 लेडीज थे, वो हम लोग भाग दौड़ फाइल निकालने के लिए गए तो हम लोग को कुछ ना कुछ बात करते थे, हाँ तुम्हारी पहुंच गई फाइल, ऐसा हो गया। जब फाइल पहुंचने के बाद में ये जो मेरे भाई लोग खड़े हैं उन लोग ने भी मेहनत बहुत करी है करके हम लोग उधर। जो संगीता है, संगीता पालेकर, ये आप लोग के साथ में थी? 4 साल। 4 साल से कोई नहीं था हमारे साथ। उनका कहना है 4 साल से जो है वो लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग थे, हम लोग कोर्ट में आए थे कल अचानक से आने का। देखो मैं भी जा सकता था, महापौर मेरा है, मैं भी जा सकता था, मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमारे ऊपर वाले जो खुदा ने एक ही कहा है, जिसका श्रेय जिनका है ना उन्हीं को लेना चाहिए। ये आम हम लोग सिर्फ सपोर्टर थे, मैंने वो किया जो मेरे लोगों ने कहा कि उनको जहाँ जहाँ उनके फाइल अटक रही थी वहाँ वहाँ मैंने उनको मदद की। और ये पूरा श्रेय आप सुनो ना उनके, वो खुद बोल रहे हैं ना, वो खुद 4 सालों में किसी के घर में सेल लगता है तो भी ये लोग खड़े रहते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं हमारी ओर। और जिस टाइम नोटिस फर्स्ट टाइम लगा उस टाइम हम संगीता मैडम के पास आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जो किया भरना पड़ेगा, लेकिन कोई झांक के नहीं देखा। अभी जो ये घर मिला है आप लोगों को फड़के पार अभी 46 लोगों को, तो ये किसकी बदौलत मिला, किसने आप लोगों का सहारा किया? मदद से हम लोग जो किया है हम उनके मदद से किया है। मैं तो इतने 3 साल तक हम लोग ऐसे ही देखा कि है कि नहीं, क्या कर कैसे है पूछा तक नहीं। हम लोग छोटे बच्चे थे, हम कैसे हम लोग हालत दिखाते थे। सुधीर भाई, जिस तरह से कल जानकारी दी गई कि उन्हीं के तरफ से जो है वकील भी इन लोगों के लिए किया गया था हाई कोर्ट में, ये नौबत वकील की नौबत क्यों आई? जब एकनाथ शिंदे पालक मंत्री जब इनको अलॉटमेंट दे ही रहे थे तो सिर्फ राजनीति का श्रेय करने का, उसको इशू बनाने का, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। खुद मैं आज आपको बताता हूँ, फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि किने साहब की मम्मी का देहांत हुआ था और हम लोग स्मशान भूमि के अंदर थे, तब मेरे को शिंदे साहब ने बुला के लिया था और कहा था कि वो जो लोग हैं ना उनको कल लेके आ जाओ। और जब मैं देखने गया था तो वहाँ राजनीति हो रही थी और उसका परिणाम स्वरूप इनको कोर्ट जाना पड़ा। अच्छा, कोर्ट जाने के बाद भी इनका पैसा लगा ना, ये गरीब होगा, पैसा आपने कोर्ट में खर्चा किया, कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद आपने क्या किया, कहाँ गए थे आप? उसको हमने फॉलोअप किया और फॉलोअप करके आज उसका नतीजा ये मिला है कि ये जो लोग थे इन्होंने मेहनत करके इनके बलबूते पर आज ये घर खड़े हो रहे हैं इनके बलबूते। क्या नाम है आपका? मेरा गणपत बांगा। अच्छा, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से कल जो है एक पार्टी ने कहा कि हमारे बदौलत जो है हमने कोर्ट में केस लड़े, 4 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है ये इन लोगों को घर मिला, तो क्या ये बात सही है? आप लोग कोर्ट गए थे, खर्च कौन किया और कौन वाकई में आप लोगों की मदद किया? कोर्ट ने सब हम लोग खर्चे किया, पूरा कोर्ट ने जितना पैसा लगा सब हम लोग का, हमारे लोग का पैसा है, सब मेहनत का पैसा है हमारा, ऐसा कुछ किसी के पास भीख नहीं मांगा हम लोग, हम लोग खुद का खर्चा करके कोर्ट ने निकाल हमारे पास बाज में दिया। कमेटियों ने पैसा निकाला, सब लोगों ने। एक मिनट रुको, एक एक आदमी को बोलने दो, एक एक आदमी बोले फिर ठीक बोले। पूरा कोर्ट का खर्चा हम लोग गरीब मेहनत करके कोर्ट का खर्चा पूरा हम लोग ने किया। जो आप लोग की फाइलें थी वो अगर कहीं अटक जाती थी वो टाइम पे सुधीर दादा को फोन करता था मैं, सुधीर दादा लोग ये साहब इधर फाइल अटक गई तुम आ जाओ, तो तुरंत फोन मेरा उठा के तुरंत वो टाइम पे उधर आते थे और वो फाइल वापस अधिकारी को देते थे। और अधिकारी क्या करता था, हम लोग जाते थे वो टाइम पे अधिकारी एक छोटे आदमी ना तो फाइल उधर अटक देने का, तो दादा को रिक्वेस्ट करके दादा को खुद बुला के उधर लेते थे। एक बार श्रीकांत शिंदे भी आए थे और वापस इसके बाद श्रीकांत साहब भी एक फाइल हमारे उधर आए थे और श्रीकांत साहब के बंगले पे 4 टाइम हम लोग गए, कितने 4 टाइम उसने मना नहीं किया। अच्छा सुधीर भाई, अभी आप लोग के पास ये सभी लोग आए हैं लेकिन कल वहाँ भी कुछ लोग थे पूरे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ऐसा है कि वो लोग वहाँ पर मांगने गए थे कि हमारी अलॉटमेंट जो है, देखो कोई भी चीज़ छीन के आप लेके जाओगे अलॉटमेंट हमारे पास दे दो ना, एक्चुअली अलॉटमेंट जो है वो लोगों को देनी चाहिए थी, वो नहीं देके उनके पास दी, वो गलत है, एक कानूनी गलत है। अगर ज़्यादा अगर उन्होंने किया तो फिर हमको भी कानून कंप्लेंट करनी पड़ेगी और हम लोग मेयर है ना यहाँ पर,
महापौर है उनके हाथ से दो, इसमें आ जाओ। तो बाद में हमको दादा को फोन किया, वो टाइम पे दादा बोला टीएम से ऑफिस में मत रुको, तुम उधर जाओ। बहुत अधिकारी भी बोलना मांगते ना हम लोग को, हम लोग पूरा से 40 आदमी उधर टीएम से ऑफिस के नीचे बैठा था। इन सबको थोड़ा सा गुमराह किया गया था, इनको सबको टीएम से ऑफिस बुला करके काशीनाथ घानेकर के अंदर ये प्रोग्राम था। तो फिर मैंने उनको बोला कि यहाँ पर नहीं, आप काशीनाथ घानेकर, मैं कुछ शादियों के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा था तो उस वक्त मैं नहीं जा पाया। हालांकि ये लोग सब बोल रहे थे कि हमको तुम्हारे हाथ से लेना है, लेकिन मैंने उनको बोला आप जाइए काशीनाथ घानेकर, वहाँ जब तक ये पहुँचते हैं इनका काम ये लोग ने तमाम कर दिया था, बजा दिया था कि वो चीज़ लेके। ऐसा नहीं होता, इतना मत करिए, इतना जुल्म भी मत करिए कि जनता त्रस्त हो जाएगी। और इतना याद रखना, ऊपर वाले ने तीन ही चीज़ दी है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इसमें कोई भी चीज़ के ऊपर हाथ डालोगे ना तो जनता आपको इसके खिलाफ जाएगी। सुधीर भाई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए कि काम कोई और करता है उसका श्रेय जो है कोई और लेता है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये गंदी राजनीति यहाँ पर है और गंदी परंपरा मुमरा के अंदर आ चुकी है, ये रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। जो भी है अभी आप देख रहे हो, पहले जिस टोरेंट कंपनी को विरोध कर रहे थे, आज कहते हैं कि 75% हम लोग इसका सपोर्ट में मुमरा है। जब मुमरा को बिल आएगा, जब उसका चटका लगेगा, तभी मुमरा को पता चलेगा। और ठीक है ना, वक्त आएगा, हर एक चीज़ का सवाल और जवाब सबको मिलेगा।